दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम रिव्यू में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैं आपके लिए मामा अर्थ का कोको फेस वॉश विद कॉफी एंड कोकोआ का रिव्यू लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि कॉफी एक्सट्रैक्ट और कोकोआ एक्सट्रैक्ट से मिलकर ये प्रोडक्ट बना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉफी और कोकोआ, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हम खाने में और पीने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे फेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। जैसे कि इसमें कॉफी और कोकोआ है, तो कॉफी जो है वो डीप क्लींजिंग का काम करता है, यानी कि कॉफी में डीप क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉफी जो है वो इफेक्टिवली रिमूव करता है डस्ट को, इम्प्योरिटीज को और एक्सेस ऑयल को स्किन से। यानी कि इस फेस वॉश से आपके डर्ट और इम्प्योरिटीज तो हटेंगे ही, साथ ही साथ जो हमारे स्किन में जो एक्सेस ऑयल होता है, जो इंडियन स्किन की जो उनकी जो ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फेस वॉश है। ये बेसिकली इवन स्किन टोन प्रमोट करता है और साथ ही साथ जो हमारे फेस में जो पफिनेस होता है, जैसे कि जो बहुत लोगों की आंखों के नीचे जो हल्का उभार आता है, यानी कि हल्का पफ बना रहता है, हल्का जो फुला हुआ जैसा होता है, उनसे भी ये राहत दिलाता है। साथ ही साथ जो भी फेस में जो पफिनेस होती है वो काफी हद तक रिड्यूस करता है। और हमारा जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो कोकोआ है। तो इसमें जो कोकोआ एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, वो जो है वो क्या करता है, वो हमारे स्किन को सॉफ्टन बनाता है, साथ ही साथ डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि जो हमारे फेस में जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं उन्हें वो क्लीन करके फिर से उसे सही करता है, और साथ ही साथ हमारे स्किन में सॉफ्टनेस और वो जो फाइन लाइंस जो आ जाते हैं, जो रिंकल जिसे हम बोलते हैं, वो भी रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जो हमारे स्किन में जो किसी भी तरह के स्कार्स होते हैं, पिंपल्स के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो भी बहुत हद तक उसे लाइट करता है और रिड्यूस कर देता है। और इसके अलावा जो इसकी जो एरोमा है, यानी कि जो इसकी स्मेल है कोकोआ की, वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील देता है और रिजनरेट्स करता है। जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कोकोआ और कॉफी एक्सट्रैक्ट जो इसमें इस फेस वॉश में जो इस्तेमाल किया गया है, उससे क्या होता है, हमें इंस्टेंट रिफ्रेश फील होता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को एनर्जाइज करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, जो कि हमारे डलनेस, अनइवन स्किन टोन और जो पफनेस है, इन सब को रिड्यूस करता है और ठीक करता है। अनइवन टोन का मतलब है कि हमारे जो माउथ के आसपास का जो एरिया होता है, वहां पे ज्यादातर अनइवन टोन्स होते हैं, तो वो रिड्यूस करता है, उसे वो इवन करता है। जो हमारे जो आंखों के नीचे जो पफिनेस आ जाती है, उसे वो रिड्यूस करता है, और जो फेस में किसी भी तरह का डलनेस होता है, उसे वो फाइट करके उसे वो ठीक करता है। क्योंकि इसमें कॉफी का इस्तेमाल किया गया है, तो वो डीप क्लींजिंग का काम करता है, यानी कि बिल्कुल डीपली ये डर्ट्स को रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, और जो ओपन पोर्स होते हैं उसे वो बिल्कुल क्लियर करके ओपन पोर्स को भी बहुत हद तक उसे क्लोज करता है। इसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे फेस पे काफी जेंटल काम करता है, और ये बिल्कुल सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, किसी भी तरह के पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव और कलर का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस फेस वॉश में ये हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, यानी कि आपकी जैसी भी स्किन हो, ये जो फेस वॉश है ये आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो मैं आपको शॉर्टकट में इसकी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से बताना चाहूंगी। बेसिकली ये डीप क्लींजिंग देता है स्किन को, इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट देता है हमारे स्किन को, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, और साथ ही साथ जो इम्प्योरिटीज होती है हमारे स्किन में, जो डर्ट्स होते हैं, जो ओपन पोर्स होते हैं, उसे दूर करता है, जो हमारे स्किन में पफनेस होती है, जो हल्का फुला हुआ होता है, उसे रिड्यूस करता है। यह हर स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, इसमें किसी भी तरह का टॉक्सिन्स या पैराबिन नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होने के साथ साथ इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। इसकी जो नेट वेट है वो है 100 ml की, और इसकी जो प्राइस है वो है 249 rupees की है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। इस फेस वॉश को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, आपको सिंपली सबसे पहले अपने फेस को वेट करना है, यानी कि फेस को हल्का भिगाना है। उसके बाद आप इस फेस वॉश को अपने फिंगर टिप्स में लेते हुए जेंटली अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में आप इसे मसाज दीजिए। सर्कुलर मोशन में मसाज देने से क्या होता है कि जो हमारे जो स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उससे हमारे स्किन में काफी ग्लो भी आता है। तो इसे आपको सर्कुलर मोशन में जेंटली मसाज देना है। उसके बाद आप इसे नॉर्मल टैप वाटर से रिंस कर लें, यानी कि धो लें। उसके बाद इसे आप पैड ड्राई करें, और साथ ही साथ ये इसमें बताया गया है कि आपको इसे
कूल और ड्राई प्रेस में ही स्टोर करना है और ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि चूंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, बट फिर भी आप एक बार पैच टेस्ट यानी कि आप इस तरह से यहाँ पे हाथ में हल्का सा फेस वॉश को लगाकर एक पैच टेस्ट जरूर करें। हो सकता है कि किसी किसी की स्किन काफी सेंसिटिव होती है तो उन्हें किसी भी तरह का इरिटेशन या फिर इचनेस फील हो, तो अगर ऐसा होता है तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और जरूरत पड़ने पे अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें एज अ प्रिकॉशन बताया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसे एक बार खोल के भी देखते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं इसे आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए, चूंकि ये ऑल स्किन टाइप है यानी कि ये ऑयली स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन के लिए भी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो ऑयली स्किन के लिए जो फेस वॉश इस्तेमाल किया जाता है वो जेल बेस ही इस्तेमाल किया जाता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल जेल बेस ही है, ये देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें से कॉफी की और कोकोआ पाउडर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है। फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हुए 1 मंथ हो चुका है और मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा है, इसलिए मैंने आपका रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रिव्यू इस ममाअर्थ कोको फेस वॉश के ऊपर। तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।